हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडी फैशन बाय अंजू। फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में मैं बची हुए कपड़ों के कतरन से बहुत ही सुंदर कुशन कवर का डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ। कई बार जब हम घर में सूट सलवार आदि काटते हैं तो कुछ कपड़ों की कतरन बच जाती है, जिसे या तो हम फेंक देते हैं या जला देते हैं, तो उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। उससे हम बहुत ही सुंदर कुशन कवर, पिलो कवर वगैरह आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर कुशन कवर बनाने के लिए मैंने गत्ते का टुकड़ा लिया है, जिसकी मैंने डायमंड शेप में कटिंग की है, और अब हम इस टुकड़े को कपड़े के ऊपर ड्रॉ करेंगे और डायमंड शेप के बहुत सारे पीसेस कट कर लेंगे। यहाँ मैंने चार रंगों के पीस काटे हैं, हर रंग के हम चार चार पीस काटेंगे, तो कुल मिलाकर हमारे पास 16 पीस होंगे। जब हमारे पीस हमें लगेगा कि हमें और कप लगाने की ज़रूरत है डिज़ाइन में, तो हम और पीस कटिंग कर लेंगे। फ़िलहाल हम 16 पीस ही कटिंग करेंगे। अब हमने सारे पीस काट लिए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। अब हमने यहाँ पर एक पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है, और उसकी लंबाई हमें अपने अनुसार रखनी है जितनी हम चाहें, क्योंकि हम बाद में इसे कटिंग ही करने वाले हैं, तो इसलिए इसका प्रॉपर नाप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 3 पट्टियाँ ली हैं। अभी हम एक पट्टी लेंगे और इसके ऊपर हम ये जो हमने डिज़ाइन काट के रखा है, इनको हम डायगोनल शेप में रखेंगे इस तरह से। हम इस डिज़ाइन को रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद हम इन पट्टियों को अलग अलग काट देंगे। अभी मैंने इसको डिज़ाइन को पट्टी के साथ स्टिच कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने इसको बिल्कुल डायगोनल शेप में कटिंग करना है, सीधी शेप में कटिंग नहीं करना है। अगर हम सीधी शेप में कटिंग करेंगे तो फिर हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने डायगोनल शेप में कटिंग करना है, जैसा आप देख रहे हो। तो इस तरह से मैं आपको सारी पट्टियाँ काट कर दिखाती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर सारी डिज़ाइंस को कट कर लिया है। अब हम इसे प्रॉपर तरीके से रखेंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो।
तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हो, मैंने इन सारे डिज़ाइन को डायगोनल शेप में रखा है। तो हम इस तरह से एक डिज़ाइन उठाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली। अब हम फिर से इसको इस तरह उठाएंगे और इन दोनों को डायगोनल रखते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारे पीसेस को डायगोनल रखेंगे जैसा आप देख रहे हो, और सेम हम सारे पीसेस को इसी तरह अटैच करते हुए डायगोनल आपस में अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारे पीसेस को आपस में अटैच कर लिया है। अब मैं इनको आपस में जोड़ूंगी। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए मैंने ये इस रंग की पट्टियाँ कटिंग की हैं, जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई हम कुशन के बराबर रखेंगे। तो हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। आगे भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारी पट्टियों को आपस में जोड़ लिया है और मैंने डिज़ाइन को भी आपस में जोड़ लिया है। बहुत ही सुंदर हमारा डिज़ाइन आया है। यहाँ पर मैंने 4 पट्टियाँ कटिंग की हैं ग्रीन कलर की, जिसे हम बाहर की तरफ कॉर्नर में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 4ों पट्टियों को लगाकर तैयार कर लिया है। तो इस तरह से मेरा कुशन कवर बनकर तैयार हो गया है। पीछे की साइड मैंने ये कपड़ा लगा दिया है। अब मैं इसमें कुशन डालकर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर कुशन कवर से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, जिसमें मैंने रिबन से कुशन कवर बनाना सिखाया है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक आपको आई सेक्शन और एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुशन कवर में कुशन डाल दिया है। बहुत ही सुंदर हमारा कुशन कवर बनकर तैयार हुआ है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और कुछ ही टाइम में हम इसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।